हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आप देख सकते हो आज मैं आपको 5x मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ये गाइस मैग्नीफायर ग्लास किस काम में आता है वो भी आपको बताऊंगा। जो लोग पहले से काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी लैपटॉप रिपेयर करते हो तो आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे जो SMD कंपोनेंट है आपको खाली आँखों में नहीं दिखता होगा, तो इसलिए हम मैग्नीफायर ग्लास को यूज करते हैं उसको सही से देखने के लिए। तो आपको इस वीडियो में ये जो मैंने लिया है आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 5x मैग्नीफायर ग्लास 82 mm का लेंस है। तो इसको आपको दिखाऊंगा कितना ज़्यादा ये जूम कर सकते हैं। तो पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद हम देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है और कैसी है। तो मैं यहाँ से पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कोई प्राइस लिखा है कि नहीं, क्योंकि गाइस मैं इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो आप कि ब्लैक और सिल्वर दोनों कलर का है। तो इसके अंदर कौन सा कलर का है हम देखेंगे। बिल्ट इन डे लाइट ब्राइट LEDs मेक्स रीडिंग इज ऑन योर आइज। इसका मतलब गाइस कि इसके साथ साथ आपके साइड में LED भी लगा हुआ है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा है मैग्नीफायर ग्लास। तो आपको जल्दी से खोल कर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो गाइस ये मैंने खोल लिया हूँ। उसके बाद काफ़ी अच्छे से पैक करके रखा है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसमें काफ़ी इसका देख सकते हो गाइस, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इसके साथ बैटरी का सेल नहीं दिया गया है, तो आप इसको लेना चाहते हो इसके लिए आपको अलग से सेल ख़रीदना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बैटरी सेल का स्पेस दिया हुआ है, तो आपको बैटरी लगा के भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले आपको बात कर लेता हूँ इसका प्राइस का। तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से 130 रुपये में ख़रीदा हूँ, 130 रुपीज़ में इसको मैंने परचेस किया हूँ। अगर सेम चीज़ आप ऑनलाइन से ख़रीदना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा 500 रुपया, यानी कि 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हो ऑनलाइन से तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, तो आप वहाँ पर जाके ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक SMD का किट मैं निकालता हूँ मेरे बॉक्सों से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो एक SMD का किट मैंने निकाला, MP3 किट। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बिना ग्लास के, मैं जूम करके आपको अब देख सकते हो बिना ग्लास के कि ये यहाँ पे IC के ऊपर कितने नंबर का IC है वो दिखने ही दिख रहा है। अब मैं जूम करता हूँ, थोड़ा फोकस सही कर लेता हूँ, आप देख सकते हो कि ये नहीं दिख रहा है। तो सेम चीज़ मैं आपको इस मैग्नीफायर ग्लास से भी आपको दिखाऊँगा विद LED और विदाउट LED। तो पहले मैं आपको विदाउट LED पे दिखाता हूँ, तो तभी आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और उसके बाद मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ फोकस। तो आप इस तरह से देख सकते हो कितना ये जूम कर सकता है। तो कैमरा में सही से नहीं आ रहा है गाइस, मैं आपको कोई अलग चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है, देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ये, आप देख सकते हो ये कितना जूम कर सकता है, गाइस ये देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर सेल डाल के दिखाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए सही है। तो मैं यहाँ से सेल निकाल लेता हूँ, मेरा नया वाला जो सेल है, 2 सेल इस यहाँ पे ज़रूरत होगी, तो यहाँ से मैं 2 निकाल लूँगा। मैं जल्दी से इसके अंदर से निकाल लेता हूँ गाइस ऐसे करके। फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैंने 2 सेल निकाल लिया हूँ। अब क्या करूँगा, इस दोनों सेल को मैं इस मैग्नीफायर ग्लास के अंदर मैं फिक्स कर दूँगा। तो अब देखते रहिए वीडियो को, मैं इसको यहाँ से फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा ये अंधेरा में काम करता है, यानी डार्क में। सो उस टाइम तो आप सही से दिख नहीं होगा, तो पहले दिखा देता हूँ इसको जला के, आप देख सकते हो इसका लाइट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको दिखाता हूँ ये जो छोटा सा मेरे पास किट था SMD का, उसका IC का नंबर कितना है, तो उसे तो नहीं दिख रहा था, अब आपको दिखाई देगी।
अब देख सकते हो इसका नंबर भी कितने अच्छे से दिखाई दे रहा। तो इस आईसी का नंबर है, देख सकते हो गाइस ये आईसी का नंबर है। हाँ आप सो गाइस आपको दिख रहा होगा इसका फर्क है कितना ज़्यादा, ये मैग्नीफाइंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना दूर में मैं रखे हुआ हूँ, आप देख सकते हो गाइस। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ये आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया हूँ, जाके आप ऑनलाइन में ख़रीद सकते हो। 500 रुपया लेगा यार, अगर ऑफलाइन में ख़रीदोगे तो इसको आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।